हेलो वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ आपको मालूम है लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में एक स्पेशल सीरीज़ हम चला रहे हैं बाबरी केस के बारे में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स हैं मुझको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पिछले एक महीने में 9.3 मिलियन मिनट्स लोगों ने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ को देखा है 1.4 मिलियन व्यूज़ हमको मिले हैं कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि साहब आपने ए रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूँ इसलिए जब उस ईयर में पहुँचेंगे जिसमें वो रिपोर्ट आई उसका जिक्र होगा हम पेशेंस रखें हिस्ट्री की भी बात होगी मैंने खुद हिस्ट्री पढ़ी है और बहुत अच्छे टीचर से हिस्ट्री पढ़ी है मैं बताऊंगा आपको किस तरह मुस्लिम कम्युनलिस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं इस मेस के लिए किस तरह से ये डिमोलिशन की स्टोरी जो है ये संस्कृत वीएचपी और हिंदू हिस्टोरियंस ने नहीं लिखी और ये मुस्लिम कम्युनलिस्ट ने इस नरेटिव को बनाया है ये भी आपसे बात होगी कि किस तरीके से शाहबानों के केस के बाद एक लोकल इशू को नेशनल इशू बना दिया गया एज एन एकेडमिक मैं ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी और नरेटिव में नहीं पढ़ना चाहता मुझे अफसोस होता है कि बाबरी मस्जिद केस को जिस तरह न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज एक हिंदू पार्टी ने ये आर्गू किया और मुस्लिम पार्टी ने ये आर्गू किया ये बिल्कुल गलत है ये सिविल केस है इसमें प्लेंटिव और डिफेंडेंट है। हैं यहाँ अपीलांट और रेस्पोंडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में आप ये देखिए निर्मोही अखाड़ा जो कि इन लोगों के हिसाब से एक हिंदू पार्टी है वो अगेंस्ट में फाइट कर रही है रामलला के तो हिंदू हिंदूज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा किस तरीके से बाबरी मस्जिद केस में मुसलमान मुसलमानों के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे आज के एपिसोड में मैं 1886 से 1949 तक जाऊंगा और वो बात 1949 में अगले एपिसोड में होगी कि किस तरीके से एक दिन अचानक मूर्तियां प्रकट हो गई सेंट्रल डोम के नीचे और फिर ताला लगाना पड़ा बाबरी मस्जिद में तो आप ये देखिए कि अभी 1886 तक जब बात हो रही है तो सारा लिटिगेशन हो रहा है राम चबूतरे को लेके और जो तीन जजमेंट्स हैं वो राम चबूतरे पे जो महंत रघुवर दास हैं उनकी ना प्रोप्राइटीशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उनको वहाँ टेंपल बनाने की इजाज़त दी जा रही है मस्जिद में नमाज़ हो रही है चबूतरे पर पूजा हो रही है और इस तरीके से ये पूरी बात अभी तक चल रही है अब आप ये देखिए कि जो पहला एपिसोड मैं इस पीरियड का आप डिस्कस करने जा रहा हूं 1886 से 1949 तक यह एपिसोड है कि 1934 में बकरीद पे हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया और यह झगड़ा जो है यह बाबरी मस्जिद को लेकर नहीं हुआ है यह झगड़ा हुआ है बकरीद पे काउस लॉटर को लेकर बाबर हम बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने खुद अपनी वसीयत में हुमायूं से ये कहा कि इंडिया में काउस स्लॉटर पे बैन लगाएं तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अयोध्या में कोई झगड़ा हो गया और बकरीद में कुछ शरारत पसंद लोगों ने काउस स्लॉटर कर दिया और उस झगड़े के नतीजे में बाबरी मस्जिद को डैमेज करा गया उसको फिर ब्रिटिश सरकार ने रिपेयर कराया और ये देखिए अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की थी ज़रूर लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करना था तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने मस्जिद की रिपेयर करा दी मस्जिद में नमाज़ होती रही चबूतरे पे भी पूजा पाठ होती रही लेकिन ये कि चबूतरे पे बहुत बड़ा टेम्पल वगैरह उन्होंने नहीं बनने दिया अब मैं आपको जो उस लिटिगेशन की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ वो लिटिगेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लिटिगेशन है जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको हमारे अखबार हिंदू पार्टीज़ कह रहे हैं वो भी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं इवन इन सुप्रीम कोर्ट और जो मुसलमान हैं वो भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे बाबरी मस्जिद के केस में तो 1941 से 1947 तक जो डिस्प्यूट था वो हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट नहीं हो रहा है बल्कि मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है सुन्नी और शियाओं को लेके और शिया लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद पे उनका हक़ होना चाहिए और ये एक शिया वक्फ़ होनी चाहिए और सुन्नी कह रहे हैं नहीं ये सुन्नी वक्फ़ होनी चाहिए अब मैं ज़रा से एक चीज़ ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है हमारे मुल्क में कि हम इस्लामिक लॉ और मुस्लिम लॉ जैसे इंडिया में अप्लाई होता है उसमें आपस में कोई डिस्टिंगशन नहीं कर पाते हैं जो इंडिया में मुस्लिम लॉ है वो वो लॉ है जो अंग्रेज़ों ने इंटरप्रेट किया जो अंग्रेज़ों ने हिदाया का ट्रांसलेशन कराया उसके बेस पे जो जजमेंट्स दिए वो है वो ट्रांसलेशन अपने आप में बहुत नाकस है और उसमें बहुत सी गलतियां हैं लेकिन इस लॉ को इसीलिए इस्लामिक लॉ ना कह के एंग्लो मोहम्डन लॉ कहा जाता है हमारे इस्लामिक लॉ में कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं था हर केस के फैक्ट्स के बिना पे जजमेंट दिए जाते थे इंग्लिश कॉमन लॉ में जो नज़ीर है उसे फॉलो की जा जाता है जो पिछले केस में हुआ वही आगे के केस में होगा तो जो इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी थी इस्लामिक लॉ की वो अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी और उसकी वजह से मुस्लिम लॉ जो है उसमें एक रिजिडिटी आ गई और उसकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई है मेरा आज वो टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता लेकिन इसी इस्लामिक लॉ का एक बहुत बड़ा टॉपिक है वक्फ और ये जो लिटिगेशन सुन्नी और शियाओं में हो रहा है े वक्फ़ को लेके हो रहा है तो थोड़ा सा हमको वक्फ के लॉ को समझने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए कुछ शी हजरा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं उन्होंने 30 अगस्त को आर्गू भी किया और ये कहा कि साहब हम तो अपना क्लेम छोड़े दे रहे हैं हिंदूज़ के लिए और यहाँ पे आप टेंपल बना लीजिए क्या वो रियली ये कर सकते हैं क्या उनको इस तरीक़े का कोई हक है इसकी बात मुझे करनी है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वक्फ़ लॉ के बारे में ब्रीफली बता दूँ कि देखिए वक्फ है एक परमानेंट डेडिकेशन कि कोई प्रॉपर्टी जो है उसको आपने रिलीजस पायस चैरिटेबल परपजेस के लिए डेडिकेट कर दिया गॉड को अब ये जो प्रॉपर्टी होती है वक्फ की ये वेस्ट होती है गॉड में और गॉड के अलावा कोई उसकी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता ये सुप्रीम कोर्ट का केस था मोहम्मद इस्माइल वर्सेस ठाकुर साबिर अली जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इवन वक्फ अल वक्त एक वक्फ अल ये होता है कि मैं वक्फ कर दूं कोई प्रॉपर्टी के साथ वो मेरे बेटे को मिले उसके बाद मेरे पोते को मिले उसके बाद पोते के पोते को मिले इसमें भी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बनते हैं बल्कि जो उसका यूसुफ्रक्ट है सिर्फ उसी को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एक बार प्रॉपर्टी अगर वक्फ हो गई तो उसकी ओनरशिप हो जाती है गॉड की वक्फ इबल होता है एक बार अगर वक्फ हो गया तो वो दोबारा रिवोक नहीं किया जा सकता जो वाकिफ है जिसने वक्फ किया है उसको भी ये हक नहीं है कि वो प्रॉपर्टी वापस ले ले अब आप ये देखिए कि क्योंकि वक्फ गॉड की प्रॉपर्टी है इसमें किसी इंसान को ये राइट नहीं है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच दे या वक्फ की प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम गिव अप कर दे ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये एक अक्सर बहस होती रही कि भई ये मुसलमान लोग जो है ये बाबरी मस्जिद पे हिंदू सेंटिमेंट्स को देखते हुए मेजॉरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को देखते हुए अपना क्लेम गिवअप क्यों नहीं कर देते देखिए ये एक लीगल इशू है इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में ना देखें कोर्ट के सामने ये मैटर है कोर्ट को ये बात डिसाइड करनी है पर्सनल लॉ जो है वो वैलिड लॉ है इंडिया में आज की डेट में तो मुतवली जो है वो ना ओनर होता है वक्फ का ना ट्रस्टी होता है वो सिर्फ मैनेजर है ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस था एक मोहम्मद आरिफ वर्सेस वेल्थ टैक्स कमिश्नर जिसमें उन्होंने कहा कि मुतवली को भी ये पावर सेल की मार्गेज की या लीज करने की वक्फ प्रॉपर्टी की नहीं है अब कितने वक्फ हैं इसका बिल्कुल सही सही तादाद नहीं मालूम सच्चर कमेटी ने दो हजार में बताया कि फोर पॉइंट वक्फ प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि की प्रॉपर्टीज पे जो कब्जा किया गया है जो उनका मिस किया गया है ये ज्यादातर मुसलमानों ने किया है तो मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है वफ़ के मिसमैनेजमेंट के बारे में अगर वो अपने वक्त को मैनेजमेंट अच्छा करते तो बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं और यूनिवर्सिटीज वो इस वक्फ की प्रॉपर्टी से खोले जा सकती हैं इसलिए मैं कहता हूं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से अब आइए वो जो पहला केस वक्फ से रिलेटेड जिसकी मैं बात आज करना चाह रहा हूं ये प्रोसीडिंग हो रही है 8 फरवरी 1941 को फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिश्नर के सामने और उन्होंने एक रिपोर्ट दी है क्योंकि मोहम्मद जकी जो हैं जो अपने आप को मुतवली कहते थे बाबरी मस्जिद के उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि ये मस्जिद जो है ये अब्दुल बाकी ने बनाई और एक एनअल ग्रांट बाबर के ज़माने से इसमें साठ रुपए की उनकी मेंटेनेंस और मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए दिए जा रही थी उस ग्रांट को फिर अवध के जो नवाब थे उन्होंने बढ़ा दिया नवाब सादत अली ख़ान ने उसको तीन सौ दो रुपये कर दिया और फिर जब अंग्रेज़ों ने एनेक्स किया अवध को 1857 के रिवोल्ट के बाद तो 1864 तक तो वो कैश में पैसा देते रहे और बाद में उन्होंने दो विलेजेस की बुरहानपुर और शोलापुर विलेजेस की लैंड ग्रांट दे दी ताकि उसके लैंड से जो रेवेन्यू आए उससे ही इस मस्जिद का ख़र्चा चल पाए अब ये जो सैयद मोहम्मद जकी है मुतवली इनका क्लेम ये था कि ये जो लैंड मुझे दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लैंड दिया है बाबरी मस्जिद को बात तो 1941 में हो रही है और ये लैंड दिया जा रहा है 1864 में वो ये कह रहे हैं ये लैंड वक्फ नहीं है ये मेरी मेंटेनेंस के लिए है ये बाबरी मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए नहीं है देखिए इसमें लेसन है कि अक्सर जो हमारे रिलीजस लीडर्स हैं या मंदिरों के पुजारी या मस्जिदों के इमाम या इवन क्रिश्चियन चर्च के इंचार्ज ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को रिलीजियस इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं और क्योंकि लोग इनकी बात सुनते हैं इसलिए हम लोग उस उनकी नरेटिव एक्सेप्ट कर लेते हैं और मजहब के नाम पे लोगों में डिवीजन किया जाता है और उन्हें लड़ाया जाता है इन्होंने ये भी क्लेम किया कि साहब ये क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड दिया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मुसलमान नहीं थी तो ये वफ हो नहीं सकता अब इन्हें नहीं मालूम कि नॉन मुस्लिम भी वफ कर सकता है पटना हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, नागपुर हाई कोर्ट ने यह बात कही कि नॉन मुस्लिम वफ कर सकते हैं और कमिश्नर ने अपने ऑर्डर में ये लिख दिया वफ कमिश्नर ने इनके इस केस में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई नई चीज नहीं की थी जो मुग़लों के ज़माने से सरकार करती चली आ रही थी पहले कैश था उसी को अब उन्होंने लैंड के फॉर्म में दे दिया इसलिए कोई नया क्रिएशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया और फिर उन्होंने वो जो सनद दी गई थी उसको कोट किया कि उसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ ये वक्फ है ये है मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क आपको मस्जिद की मेंटेनेंस उसकी अपकीप के लिए ये पैसा दिया जा रहा है फिर इस ऑफिसर ने वक्फ कमिश्नर ने जकी के अपने पेपर्स कोट किए 1934 में जब रॉयट हो गया था तब भी इन्होंने अपने आप को मुतवली कहा और 1925 में इन्होंने जो अपने अकाउंट्स दिए तहसीलदार कोर्ट में उसको भी वफ कमिश्नर ने मेंशन किया कि साहब जो लैंड ग्रांट से इन्हें पैसा मिला उससे मस्जिद की मेंटेनेंस की गई इमाम की सैलरी दी गई मुजिम की तनख्वाह दी गई और अफतारी का इंतजाम रमजान में किया गया मैं यह बताना चाह रहा हूं 1941 तक यह बात आ रही है इसका मतलब वहां नमाज भी हो रही थी वहां रमजान में अफतारी भी हो रही थी और मोजिन और इमाम की सैलरी भी दी जा रही थी गो के बाद में कुछ आएगी कि कुछ कुछ इमाम की सैलरी नहीं दी गई बहुत दिन से पेंडिंग थी वो मैं अभी आपको बताऊंगा और इस वक्फ कमिश्नर ने यह भी रिकॉर्ड किया कि ये जो मुतवली हैं जकी ये शिया हैं लेकिन बाबर सुन्नी था और मीर बाकी का क्या सेक्ट था इसके बारे में कोई मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड किया अपने ऑर्डर में कि अब्दुल फूर जो कि इमाम थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो मोहम्मद ज़की हैं इनके जो एंसेस्टर्स थे इनके जो पूर्वज थे वो सब सुन्नी थे लेकिन बाद में जब शिया नवाब होने लगे तो उनमें से कोई शिया हो गया और ये भी उन्होंने कहा 11 साल से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है और एक प्रो नोट भी कोट किया जकी साहब का जिसमें उन्होंने वादा किया था कि भाई ये हम आपकी तनख्वाह दे देंगे और आखिर में ये भी लिख दिया कि ये जो जकी हैं यह अफीमची हैं ओपियम एडिक्ट है, और ये अनफिट है मुतवली होने के लिए इसलिए इनको मुतवली की पोस्ट से हटा दिया जाए अब मैं दूसरी सेकेंड प्रोसीडिंग जो है यह भी वक्त से रिलेटेड है यह भी सुन्नी और मुस्लिम्स का झगड़ा है हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हो रहा है ये ये जजमेंट है फैजाबाद सिविल जज का मार्च थर्टी नाइनटीन सिक्स में अब यहां क्लेम फिर शिया हजरत ये कर रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि 1936 थर्टी सिक्स में जो यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट बना उसके तहत बाबरी मस्जिद को सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लिया गया लेकिन ये जो इसके मुतवली थे मीर बाकी की फैमिली वाले वो शिया थे तो ये सुन्नी प्रॉपर्टी में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड में इसको इंक्लूड किया गया ये मुनासिब नहीं है और इसके अगेंस्ट वो गए अदालत में ये केस है शिया सेंट्रल बोर्ड वर्सेस सुन्नी सेंट्रल बोर्ड अब देखिए इसमें सिविल जज ने बहुत से इश्यूज बनाए लेकिन मेन इशू उसका यह था कि क्या मस्जिद जो है वो अब्दुल बाकी ने जैसा कि प्लेंटिफ कह रहा था बनाई थी और वो शिया था और अगर वो शिया था तो फिर यह शिया वक्फ होनी चाहिए प्रॉपर्टी ना के सुन्नी वक्फ अब मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर यह शिया वक्फ हो तो जैसे शिया हजरात कुछ सुप्रीम कोर्ट में गए कि हम गिव अप कर सकते हैं वो गिव अप कर सकते हैं एक कोई साहब है तूसी वो कहते हैं कि साहब हम मुगलों की सातवीं आठवीं जनरेशन हैं, और हम भी इसे गिव अप करते हैं मैंने आपको बता दिया वक्फ का लॉ ये है कि वाकिफ भी यानी अगर बाबर खुद भी आ जाए तो उनको ये राइट नहीं था कि वो गिव अप कर दे एज फार एज लॉ इज कंसर्न मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं मैं कन्वीनियंस में नहीं हूं मैं पब्लिक पॉलिसी में नहीं हूं और मसलहत में नहीं हूं मैं आपको वक्फ का लॉ बता रहा हूं तो ये सिविल जज के सामने ये मैटर था जिसमें ये जो मुतवली की फैमिली है ये अपना शजर नसब दिखा रहे हैं पैटिगरी दिखा रहे हैं अपनी कि साहब देखिए ये हम लोग मीर बाकी की फैमिली के हैं और वो शिया थे इसमें शिया वक्फ होना चाहिए अब सिविल जज ने सेक्शन थर्टी टू ऑफ एविडेंस एक्ट को रिफर किया और उसने कहा प्रिजम्पन इंडिया में जब भी कोई मुसलमान है ये है लॉ के हिसाब से कि वो हन्फी मुसलमान है फिर उन्होंने बेली को कोर्ट किया और ये कहा भाई सफवी डायनेस्टी जो ईरान में बनी 1499 में उसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन आई कि ज्यादातर ईरान के लोग शिया हो गए ये भी एक समझने की बात है कि जो बादशाह का मजहब होता है उसे लोग बचा, बचा एडॉप्ट कर लेते हैं जैसे बादशाह की जो आइडियोलॉजी होती है आप देख रहे हैं बड़े बड़े कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं यह ऐसे ही बिल्कुल काम हुआ तो उन्होंने यह कहा कि क्योंकि वह पर्शियन था मीरबाकी पर्शिया के लोग फोर्टीन के बाद शिया हो गए इसलिए प्रजम्पन यह मानी जाए कि मीर बाकी जो थे वो इस्फाहन ईरान के थे और वो शिया थे अब मैं आपको इसमें ये दो चीजें और बता दूं कि मीर बाकी का असली नाम अमीर बाकी था अगर आप हिस्ट्री की बुक्स देखें और बाबरनामा में देखें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो ईरान का था ही नहीं वो ताशकंद के थे और सुन्नी थे और बाकायदा जिक्र है उनका कि इस दिन उनका अपॉइंटमेंट हुआ इस दिन नोबिलिटी में शामिल हुए लेकिन आप ये देखिए कि लोअर कोर्ट में लिटिगेशन हो रहा है इन डेप्थ हिस्टोरिकल एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आ रही है बहरहाल कोर्ट ने यह कहा कि साहब देखिए वो बाबरी मस्जिद में इंस्क्रिप्शन है और उसक्रप्शन में ये लिखा है कि शाह बाबर ने जो है ये मस्जिद बनवाई और मीर बाकी का भी जिक्र है इसलिए मीर बाकी तो शीह थे उन्होंने मान लिया लेकिन जज ने यह कहा कि क्योंकि फाउंडर इस मॉस का बाबर था और बाबर सुन्नी था और यह भी जज ने रिकॉर्ड किया कि इसमें जो इमाम रहे हैं और मोजिन रहे हैं वो सुन्नी रहे हैं तो कोई भी शिया ऐसी मस्जिद नहीं बनाएगा जिसमें सुन्नी इमाम हो और सुन्नी लोग नमाज पढ़ें इसलिए उन्होंने बाबर को फाउंडर लेते हुए यह तय किया कि यह साहब एक सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी है और शियाओं का जो क्लेम है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ख़ास बात उन्होंने ये भी कही कि साहब जो ये हनुमानगढ़ी का एपिसोड हुआ था उस एपिसोड में भी कुछ बारंगी बैरागीज़ जो थे वो आए थे और उन्होंने इस तरीक़े की बातें कहीं तो वो भी एक एपिसोड का दोबारा ज़िक्र आ गया इसमें फिर एक चीज़ और ये इन्होंने लास्ट में ये कह दी कि जो प्लेंटिफ एशिया वक्फ बोर्ड इनको कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए और बाबर ने ना सिर्फ इस मस्जिद को फाउंड किया बल्कि उन्होंने ग्रांट भी दी और इसका मतलब यह हुआ कि यह एक सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी थी इसलिए आज के शिया हजरात को बाबरी मस्जिद पे क्लेम करने का लीगली जो मैंने आपको स्टोरी दो बता दी उसके हिसाब से कोई हक नहीं है अब देखिए फिर से मैं ज़रा आगे बढ़ना चाह रहा हूं इस स्टोरी में आपको 41 तक ले गया था अब दोबारा से चबूतरा का डिस्कशन शुरू हो जा रहा है 28 अप्रैल 1947 को सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद का एक हैंड रिटेन ऑर्डर है इस ऑर्डर में उन्होंने फिर यह बात साफ की चार पॉइंट्स लिखे कि साहब प्लेटफॉर्म जो है ये प्लेटफॉर्म वही है चबूतरा राम चबूतरा जिसका हमने आपको स्केच भी दिखाया था इसको पक्का नहीं बनाया जाएगा ना के पेड़ों के नीचे मूर्तियां रखी जाएंगी जो आयरन डोर है मस्जिद का फेसिंग ईस्ट वो ब्लॉक नहीं किया जाएगा और पुजारी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेंगे और जो लोग मस्जिद में प्रेयर कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाएगा छप्पर ऑफ द ईस्ट ऑफ द मॉस्क एंड नॉर्थ ऑफ द आउटर गेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ द सिटी मजिस्ट्रेट और उन्होंने ये भी कही कि भाई ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम्स का एग्रीमेंट हो गया और महंत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अब ये देखिए कि कुछ और रिपोर्ट्स हैं 1948 की जो वक्फ इंस्पेक्टर ने फाइल की है दिसंबर 1948 की एक रिपोर्ट है 10 दिसंबर की उसमें वक्फ इंस्पेक्टर ने लिखा कि साहब हिंदूज जो हैं वो दिन में रामायण नहीं पढ़ते हैं रात में अगर कोई मुसलमान मस्जिद में रुकना चाहता है तो हिंदू उसको परेशान करते हैं और यह भी वक्फ इंस्पेक्टर ने 10 दिसंबर 1948 को रिकॉर्ड कर दिया कि उसको लोगों ने बताया देर इज अ डेंजर टू द मस्जिद फ्रॉम हिंदूज एंड द वॉल ऑफ़ इट अब यह रिपोर्ट जो है यह रिपोर्ट उसने लॉन्च की है डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद से और उसमें उसने आखिर में लिखा है कि जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनको परेशान ना किया जाए क्योंकि मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी है और इसका तहफ़ किया जाए इसे प्रोटेक्ट किया जाए इसका मतलब ये देखिए कि 10 दिसंबर अभी 1948 तक मस्जिद में नमाज़ हो रही है फिर जो दूसरी रिपोर्ट उसने फाइल की वो 23 दिसंबर 1948 की है ये ज़रा और ज़्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में उसने लिखा कि भई एक बाबा सुखदास हैं उन्होंने एक रामायण रिसिटेशन के लिए बात करी एक महीने पहले और वो अब चले गए और बहुत से सैकड़ों बैरागीज़ और पुजारीज आ गए और रामायण का पाठ हो रहा है और ये हफ्तों चलता रहा और इस बीच जो फ्रंट पोर्शन मॉस का था और साउथ में जो कब्रिस्तान था उसकी बहुत सी कब्रों को बैरागियों ने खोद दिया और मिसमार कर दिया और वहाँ एक झंडा लगा दिया यह भी उसने लिखा कि साहब पुलिस का इंतजाम था उसके बावजूद बहुत सी कब्रें मिसमार कर दी गई और मजार ख्वाजा सादी रहमतुल्ल का जो था उसको भी खोद दिया गया और वहाँ भी झंडा लगा दिया गया दो परदेसी मुस्लिम्स जो शायद मस्जिद में आके रुक गए होंगे उनकी भी, भी बैरागीज ने पिटाई कर दी और उनको चोटें आईं। और फिर उसने ये लिखा कि अब मस्जिद पे एक ताला है इस ताले की चाबियाँ मुसलमानों के पास हैं वहाँ पे नमाज नहीं हो रही अजान नहीं हो रही क्योंकि पुलिस ताले को खोलने नहीं देती लेकिन यह ताला जुमे के दिन फ्राइडे में खोला जाता है दो तीन घंटे के लिए मस्जिद की सफाई की जाती है और वहां फ्राइडे की प्रेयर होती है और सुबह की नमाज भी होती है यानी फजर की प्रेयर भी होती है लेकिन जब फजर पढ़ के लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर हिंदूज गाली गलौच करते हैं और मुसलमान डर के मारे कोई जवाब नहीं देते अब राम मनोहर लोहिया का भी विजिट हुआ इस दौरान अयोध्या में उन्होंने भी लोगों से कहा कि कब्रों और मजारों को मत डिस्ट्रॉय करो लेकिन बैरागीज ने कहा भाई हमें जन्म स्थान दिला दीजिए उन्होंने कहा भाई मैं कुछ इसमें कमिट नहीं कर सकता तो बैरागीज बड़े नाराज हो गए उनसे अब आप यह देखिए कि लास्ट पैराग्राफ जो ये लिख रहा है वक्फ इंस्पेक्टर अपनी ट्वेंटी थर्ड दिसंबर नाइनटीन फोर्टी एट की रिपोर्ट में वो मैं पढ़ना चाहता हूं उसने लिखा आई स्पेंड द नाइट इन अयोध्या एंड द बैरागीज आर फोर्सिबली टेकिंग पोजेशन ऑफ द मस्जिद टूडे इट इज जुम्मा

और बाद में 89 में हुआ और 92 में हुआ उसकी बुनियाद ये रखी जा रही है कि फोर्सिबली मस्जिद को ले लिया जाए इस बीच यूपी गवर्नमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स कुछ सामने में रखना चाहता हूं ट्वेंटी जुलाई 1949 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने लेटर लिखा फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मांगी उनसे सेवन सेप्टेंबर नाइनटीन को कमिश्नर फैजाबाद ने लेटर लिखा फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और टेंथ अक्टूबर 1949 को सिटी मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सरकार यह पूछ रही है कि क्या भाई मंदिर बनाया जा सकता है वहां अब मैं यह रिपोर्ट जरा सा पढ़ देना चाह रहा हूं सिटी मजिस्ट्रेट की टेंथ अक्टूबर 1949 की हिंदू पब्लिक हैज पुट इन दिस एप्लीकेशन विद अ व्यू टू इरेक्ट अ डिसेंट एंड विशाल टेम्पल इंस्टेड ऑफ द स्मॉल वन विच ट एट प्रेजेंट ये स्मॉल वन किसका जिक्र हो रहा है वही चबूतरे पे जो छोटा मंदिर है ये बाबरी मस्जिद के बीच वाले डोम के नीचे राम जी पैदा हुए ये उसका जिक्र नहीं है कब की मैं बात कर रहा हूं टेंथ अक्टूबर 1949 की कौन लिख रहा है ये रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट वो लिख रहा है इस मजिस्ट्रेट को कि क्या चाहते हैं विशाल टेम्पल इंस्टेड ऑफ स्मॉल वन दैट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट

इस एपिसोड में जिसको आज मैं खत्म कर रहा हूं कि 1948 तक क्लेम चबूतरे के बारे में है मस्जिद के बारे में नहीं हो रहा है एग्रेशन हिंदू जो थे बैरागीज उनमें बढ़ता जा रहा है मुस्लिम्स डर के मारे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं उसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड दिसंबर नाइनटीन फोटी नाइन में ताले तोड़कर मस्जिद में घुर छ कर वहाँ भगवान जी की मूर्तियाँ रख दी जाएंगी वो बात और उसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में होगी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और इन वीडियोस को ज़्यादातर लोगों से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है इस पूरे केस के बारे में वो दूर हो